जय हिंद साथियों। तो चलिए हम एक फिर से एक नए वीडियो के साथ और नए लेसन के साथ, नया लेसन हमारा है विद्युत धारा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत धारा। ये फिजिक्स का चौथा लेसन है, तीन लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैनल के द्वारा, लगातार उसको वीडियो डाला गया है आप लोगों के लिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो और अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए अभी से ही, क्योंकि आप लोग को हम लोगों का टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले ही पूरे सिलेबस को खत्म किया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को लेकर के, यानी लगातार वीडियो डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो लेसन है वो विद्युत धारा है। इससे पहले हम लोग तीन लेसन पढ़ चुके हैं, तो चौथा लेसन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा लेसन स्टार्ट करने से पहले ही जानेंगे कि विद्युत धारा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। महत्व जानना जरूरी है, क्योंकि विद्युत धारा लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका महत्व जानना है कि इसकी उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है। तो चलिए हम इसको जानते हैं। देखिए विद्युत धारा होता है ना, विद्युत धारा का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट, इससे आप लोग परिचित होंगे, यानी इसी को कहा जाता है बिजली, देहात भाषा में कहा जाता है लाइट, तो लाइट से आप लोग परिचित होंगे। तो देखिए विद्युत धारा में होता क्या है, अगर विद्युत धारा यानी लाइट को 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो पूरे विश्व अंधेरा में छा जाएगा कि नहीं छा जाएगा, फिर पहली वाली दुनिया आ जाएगी। यानी विद्युत धारा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहला अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा, विद्युत यानी बिजली नहीं रहे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, फैन, पूरा लाइट बल्ब इत्यादि सारी, फ्रिज कूलर टोटल बंद हो जाएगा। यानी टोटल बंद हो जाएगा, यानी ये जो विद्युत धारा है ना, ये हमारे जीवन का यानी हमारे जीवन का एक आधार बन चुका है, इसी पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, तो चलिए खैर वो अलग की बात है, विद्युत धारा होता क्या है अब ये हम जान लेते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा से हमारा ये तात्पर्य होता है ना कि जो आवेश होता है उसको तार के द्वारा प्रवाह कराना, यानी जैसे पानी होता है, पानी को नाले के द्वारा निकाला जाता है ना, इस तरह आवेश होता है यानी चार्ज होता है ना, उसी को एक तार के सहारे बहाना यानी चलवाना, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर विद्युत धारा का डिफिनेशन आप देखोगे तो उसको ये कहा जाता है किसी चालक पदार्थ या तार के सहारे आवेश को दो बिंदुओं के बीच प्रवाह कराना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्युत धारा हो गया। अब हम जानेंगे जो विद्युत धारा होता है वो कैसे किसी चालक वस्तु पे चल लेता है, यानी कैसे किसी चालक वस्तु पर वो गति करता है, ये हम जानेंगे। तो देखिए वो पदार्थ पे कैसे गति करता है ना, सबसे पहले देखिए उसमें होता है तीन चीज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, दो नंबर में क्या होता है प्रोटॉन, और तीन नंबर में क्या होता है न्यूट्रॉन। ये तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ये ऋण आवेश होता है, यानी ऋण आवेश होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेश होता है, धन आवेश, और ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ना ये अनावेशित होता है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है ना हमारा वो अनावेश होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, ये कोई चार्ज नहीं होता, इस पर प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज होता है। इन्हीं तीनों के द्वारा किसी परमाणु का निर्माण होता है, वही परमाणु मिलकर के पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये परमाणु में कहां कहां होता है, ये जो तीनों हमारा मौलिक कण है ये परमाणु में कहां कहां होता है। तो ये देखिए ये हमारा एक परमाणु है, इसी परमाणु के केंद्रीय भाग में, ये जो हमारा एक केंद्रीय भाग यानी बीच वाला भाग है, इसी बीच वाले भाग में हमारा ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है और इसी में न्यूट्रॉन होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक। यानी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के किस भाग में होता है, तो आप क्या कहिएगा, केंद्रीय भाग में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। तो एक नंबर वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो रहना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो इसके एकदम किनारे किनारे घूमता रहता है, यानी लरियाए रहता है। ठीक है, ये जो परमाणु होता है ना, परमाणु के किनारे किनारे में ये घूमता रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान लिए कि परमाणु कैसे बनता है इन्हीं तीनों मौलिक कणों के द्वारा। तो ये जो हमारा अब परमाणु बन गया, अब हम ये देखेंगे कि किन किन वस्तुओं पर यानी किन किन पदार्थों पर, वस्तु नहीं, किन किन पदार्थों पर जो होगा हमारा वो आवेश चलेगा और किन किन पदार्थों पर नहीं चलेगा। अब ये हमारा आवेश बन गया यानी पदार्थ बन गया, अब देखेंगे कौन सा पदार्थ पे आवेश चलेगा, किस पदार्थ पर आवेश नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसी को हमने कहते हैं चालक और विद्युत रोधी। तो ये हमारा हो जाएगा चालक। चालक क्या होता है,
यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी वैसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा चल सके, उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। तो अब आप बताइए किन किन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा गति करता है, किन किन पदार्थों से। सबसे पहले धातु आ जाएगा, तो धातु में कौन कौन सी चीज आ जाएंगे, सोना चांदी लोहा पीतल तांबा इत्यादि, ये सब क्या आ जाएंगे, धातु में आ जाएंगे। उसके बाद इंसान का शरीर और मतलब मनुष्य का शरीर और जानवर का शरीर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक और आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछता है, यानी आपके एग्जाम में ये पूछता है कि निम्न में से कौन से पदार्थ चालक है, तो एक और आपको याद रखना है ग्रेफाइट, ठीक है। यानी ये सब तो आपको याद ही रहेगा कि धातु में रहेगा मनुष्य का शरीर और जानवरों का शरीर, ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है ग्रेफाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, सबसे पहले धातु लिखेंगे, ठीक है। धातु में सब चीज आ जाएगा, धातु के बाद आप लोग सब चीज को याद करना है, लोहा सोना चांदी पीतल तांबा इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मनुष्य का शरीर, उसके बाद क्या आ जाता है जानवरों का शरीर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद और आ जाता है ग्रेफाइट, ये आपको याद रखना है ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, चालक होता है। उसके बाद आद्र जल यानी गंदा जल, आद्र जल इत्यादि ये क्या होता है, ये चालक होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको याद क्या रखना है, तो ग्रेफाइट और आद्र जल, ये सब तो आपको याद रहेगा कि यानी शरीर यानी हमारा जो शरीर है उसमें करंट लग ही जाता है और जानवरों में भी करंट लग जाता है। इसके बाद धातु होता है, धातु पर चलता ही है। अब हम लोग देखना है विद्युत रोधी चालक यहाँ पे हम लिख देते हैं, विद्युत रोधी चालक में क्या क्या आएगा। विद्युत रोधी चालक क्या होता है, यानी जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सके, जिनसे होकर के विद्युत धारा नहीं चल सके, उसे हम क्या कहेंगे विद्युत रोधी। तो किन किन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा नहीं चल सकती है, सबसे पहले लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी प्लास्टिक ये सब क्या हो जाएंगे, इनसे होकर के विद्युत धारा नहीं चल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा लकड़ी हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिक के बाद क्या हो जाएगा रबर और शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, शुद्ध जल। उसके बाद और भी क्या चीज हो सकता है, कांच हो सकता है यानी शीशा में चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो गया है, रबर हो गया है, उसके बाद क्या हो सकता है शुद्ध जल यानी रुई भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकता है हमारा रुई इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, ये सब विद्युत रोधी होते हैं, यानी इनसे होकर के विद्युत धारा नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए चालक और विद्युत रोधी, इनमें से आपको एक नंबर एक पूछता है, आपको तीन नंबर में चार नंबर में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक ही नंबर में पूछता है, पूछ देगा कि निम्न में से कौन से जो पदार्थ है वह चालक है, यानी ग्रेफाइट हो जाएगा मनुष्य का शरीर, तो आपको एग्जाम्पल में देगा ग्रेफाइट, ठीक है। तो आपको ग्रेफाइट इधर रखना है, और विद्युत रोधी यानी कौन से पदार्थ इसमें से विद्युत रोधी है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग ये जानिए, और अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है। तो आगे का टॉपिक हमारा क्या है, इसके बाद जो हमारा नया आगे का टॉपिक होता है आता है वह विद्युत विभव आता है। तो हम विद्युत विभव टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, विद्युत विभव को भी हम लोग समझेंगे। विद्युत विभव, अब हम लोग को समझना है कि विद्युत विभव क्या होता है। देखिए विद्युत विभव ना कार्य का एक परिमाण होता है, यानी वह परिमाण देता है ना कि ये जो हमारा तार है इस तार पर कितना कार्य हुआ है, या आवेश हमारा इस तार पे कितना कार्य किया है, इसी को मापा जाता है विद्युत विभव के द्वारा, कि जो हमारा तार जाता है उस तार पर कितना कार्य किया गया है, यानी कितनी बिजली यूज की गई है, ठीक है। तो अब हम इसको विद्युत विभव को जानेंगे एक फिगर के द्वारा अच्छा से जानेंगे। तो देखिये ये हमारा एक तार है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण होता है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्यू जो है, ये यहाँ पर एक हमारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्यू एक चार्ज है, क्यू आवेश है, इसको पी तक लाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा विद्युत विभव क्या कहता है, यानी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो ये हमारा आवेश है, यानी जो हमारा आवेश है वह क्या है, क्यू है, और इसी क्यू आवेश को पी तक लाने में किया गया जो हमारा कार्य है वह हमारा क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। इस बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य हमारा डब्ल्यू है, और आवेश हमारा क्या है, क्यू है। तब कहता है कि इस पे ना विद्युत विभव क्या होगा, तो विद्युत विभव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, विद्युत विभव को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, विद्युत विभव को किससे डिनोट किया जाता है, तो वी से। तो वी बराबर क्या होगा, ये डब्ल्यू है, वी बराबर क्या होगा,
वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, वह डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो डब्ल्यू मतलब क्या, कार्य, यहाँ पे कार्य हो गया, और क्यू मतलब क्या, क्यू मतलब आवेश, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यानी डब्ल्यू बाई क्यू, यानी पूछ सकता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहीं कहीं दे देगा आपको कार्य बटा आवेश। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम, यानी जूल बटा कूलम ही आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, और यही जूल बटा कूलम मिला के क्या बना देता है, वोल्ट बना देता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, यानी भी मतलब क्या, विद्युत विभव, और इसी को, उसी का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपको याद रखना है, यानी दे देगा कि भी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू, यानी ये भी दे सकता है, यानी डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कार्य बटा आवेश, इसका हिंदी हो गया, और कार्य का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और जूल बटा कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, जिसे भी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक नंबर में पूछेगा कि निम्न में से विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो इसमें से कोई भी देगा आपको याद रखना है, जूल बटा कूलम भी दे सकता है, डब्ल्यू बाई क्यू भी दे सकता है, और डायरेक्ट वोल्ट भी दे सकता है। तो वोल्ट आपको याद रहेगा, तो भी से वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, और जूल बटा कूलम आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से विद्युत विभव भी हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। अब हम लोग जो मेन टॉपिक अच्छा से पढ़ना है, वो उसको पढ़ना है, आवेशों का प्रवाह, आवेशों का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, यानी आवेश किधर से किधर प्रवाह करता है, आवेश किधर से किधर होकर के चलता है। तो हम आवेश जानते हैं कितने कितने आवेश होते हैं, हमारे पास दो आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो अब इन्हीं को देखेंगे कि धन आवेश किधर गति करता है और ऋण आवेश किधर गति करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा धन आवेश होता है ना, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। एक होता है हमारा ऋण आवेश, ये जो हमारा गति करता है ना, यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, यानी जिधर हमारा विभव ऊंचा रहता है, यानी जिधर विभव हमारा बड़ा रहता है, यानी जिधर पॉजिटिव रहता है, उधर से निगेटिव की तरफ करता है, ठीक है, यानी उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर, निम्न की ओर, ठीक है। और ये जो होता है, यानी ऋण आवेश जो होता है, वो हमारा निम्न से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर हमारा क्या करता है, गति करता है। अब ये धन आवेश जो होता है ना, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर करता है। तो हम लोग विभव देखे हुए थे, ये हमारा एक तार हो गया, तार पे हमारा यहाँ पे क्यू एक बल्ब लगा हुआ है, ये पी हमारा क्या है, कोई पॉइंट, कोई बिंदु है, और ये क्यू हमारा चार्ज है। तो ये जो क्यू है ना, यहाँ पे हमारा निम्न विभव है, निम्न विभव, यानी ये अनंत है, और ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे उच्च विभव है, उच्च विभव। तो ये जो हमारा गति करेगा ना, यही जो धन आवेश जो है हमारा गति करेगा, ये हमारा, यानी इधर से हमारा इधर की तरफ गति करेगा, ठीक है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमारा गति करेगा, ठीक है। और यही जो ऋण आवेश है, तो यहाँ पे अगर क्यू हमारा ऋण आवेश लगा हुआ है, यहाँ पे कोई तार लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट पी है, और यहाँ पे क्यू आवेश है, तो ये जो होगा, यानी ये अनंत है, निम्न विभव है, यहाँ पे निम्न विभव है, और ये हमारा उच्च विभव है। तो ये जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश इधर गति करता है, उल्टा गति करता है, यानी निम्न से उच्च की ओर, यानी यहाँ पे हमारा उच्च विभव है, और यहाँ पे निम्न विभव, तो निम्न से उच्च की ओर गति करता है, ठीक है। तो इसे हम जानेंगे, और ये गति चलता कौन है, चलता कौन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े थे ना, तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके घरों में जो बिजली का तार है, उसमें कौन सा कण गति करता है, यानी कौन से मौलिक कण गति करता है, तो क्या गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वह नाभिक में स्थिर रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए ठेक के, कि तुम जाओ गति करो, उस बल्ब को जलाओ, यानी वो बाहर उसको रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आवेशों का प्रभाव भी खत्म हो गया, वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल और बैटरी, यानी सेल और बैटरी कैसे बनता है, विद्युत धारा को हम लोग एक से दो वीडियो में और हम लोग खत्म कर लेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सको, ठीक है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करते रहिए, जैसे हम लोग वीडियो दे रहे हैं, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और अपना मेहनत बरकरार रखिए। जय हिंद, ठीक है, अगले वीडियो का वेट करिए।